ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अस्थायी टोल नाके पर अवैध वसूली को लेकर हुए विवाद में टोल कर्मियों ने एक युवक को चाकू और डंडों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी टोल कर्मी युवक के साथ मारपीट कर टोल नाके को छोड़कर फरार हो गया। दरअसल ग्वालियर के रतबाई गांव का रहने वाला योगेंद्र जाट का विगत दिनों टोल कर्मियों से विवाद हो गया था, जिसके बाद टोल कर्मियों ने योगेंद्र जाट को राजीनामा करने के लिए टोल पर बुलाकर धोखे से मारपीट कर दी। सभी टोल कर्मचारी योगेंद्र को तब तक पीटते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। जब इस घटना का पता युवक के परिजनों और गांव वालों को चला तो उन्होंने टोल नाके पर पहुंचकर युवक को किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाया और इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कल बिजोली थाना अंतर्गत रतवई गांव के पास एमपीआरडीसी का एक अस्थायी टोल है, जहां पर दो गुटों में लड़ाई हुई, जिसमें टोल कर्मियों ने योगेंद्र जाट है जो रतवई गांव के उसके साथ मारपीट की। तत्काल हमारी पुलिस द्वारा डॉक्टरी करवाई गई, एमएलसी के आधार पर एफआईआर की गई है, बलवा की धारा लगाई गई है 147-48 और साथ में धारदार चाकू से मारने पर धारा 324 भी लगाई है। बाकी अभी डॉक्टरी रिपोर्ट में यदि कोई गंभीर चोट आती है तो धारा का इजाफा किया जाएगा और उसके पश्चात आरोपियों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।